हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजीज गुड लाइफ। गाइस, मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, सिबैया खीर। ये गाइस, ये बहुत टेस्टी होता है ये रेसिपी, और झटपट में भी बन जाता है। सिबैया खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया हूँ, 1 लीटर गर्म दूध और 1/2 बोल सिबैया लिया हूँ, और थोड़ा सा काजू और 2 कप शुगर, थोड़ा सा काजू और बे लीव्स लिया हूँ। मैंने कढ़ाई में 1 स्पून घी डाला हूँ, और अभी हमारा घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो अभी हम काजू को डाल देंगे, कैसू नट्स को हम डाल देंगे। कैसू नट्स को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गाइस, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। ये रेसिपी बहुत टेस्टी होता है और झटपट में भी बन जाता है, और सब बच्चों को भी खाने के लिए पसंद है। देखिए, अभी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको अब हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, मैं सारे कास्ट नट्स को अभी प्लेट में निकाल दूंगी। फिर हमें इस कढ़ाई में हमारा घी है, उसमें अभी मैं वर्मिसेली को डाल दूंगी, सिबैया को डाल दूंगी, और उसको हम थोड़ी देर तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, अभी हमारा हुआ नहीं है, इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह से हमें सिबैया को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, सिबैया अभी हमारा पूरा फ्राई हो चुका है, कैसे गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, ये अभी हमारा लगभग बन चुका है। अभी इसमें देखिए, इस तरह से हमें चाहिए था सिबैया। अभी हमारा सिबैया जो हो चुका है, इस पर हमें हमने जो दूध गर्म करके रखा था 1 लीटर दूध, उसको भी हम डाल दूँगे सिबैया में। देखिए, मैंने दूध डाल दिया हूँ, अभी इस सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह देखिए, सबको हम अच्छे से मिलाना है थोड़ी देर तक, और मीडियम सिम में कुक करना है। देखिए, मैंने डाल दिया हूँ, अभी इसमें मैंने 2 कप शुगर डाला हूँ। आप जैसे मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप डालना। इस तरह से मैंने 2 कप शुगर डाला हूँ। फिर मैंने इसमें ज़्यादा अच्छा स्मेल देने के लिए 2 से 3 बे लीव्स, मतलब तेज पत्ता डाल दिया हूँ, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें इन सबको अच्छे से मिला लेना है। और इसमें मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर मैंने इसमें डाला हूँ। देखिए, इस तरह से आपको डालना है, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। इसमें मैंने 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर डालने से सिबैया का खीर बहुत टेस्टी लगता है, और उसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाला हूँ। थोड़ा सा भी सॉल्ट जाता है मीठे डिश में, थोड़ा सा तो सॉल्ट टेस्ट के लिए डालना पड़ता है। फिर इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, इस तरह से हम 2-3 उबाल आने तक इसको हाई मीडियम फ्लेम में ही इसको कुक करना है। देखिए, इस तरह से अभी ढक के 5 से 10 मिनट्स तक हाई मीडियम फ्लेम में कुक करना है। देखिए, हमारा सिबैया अच्छे से कुक हो चुका है, इसको अब हम और 5 से 10-10 मिनट तक कुक करना है। इसमें अभी मैंने कैसोनट, रोस्टेड कैस्टोनट डाल दिया हूँ, और इसको भी और 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करूँगी। देखिए, इस तरह से हमें चाहिए था। अभी हमारा सिबैया अभी बन चुका है, इसको अभी हम गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे, और अभी हम इस सबको सर्व करने के लिए एक बोल में निकाल लेंगे। गाइस, ये रेसिपी बहुत टेस्टी होता है, इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर देखिए कैसे सुंदर दिख रहा है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।